चाइना लिटरली वर्ल्ड लेवल पे जियोपॉलिटिकली इतना स्ट्रॉन्ग हो चुका है कि मनी तो छोड़ दो भाई, हम तो यहाँ 1500-2000 रुपए के स्टॉक की बात कर रहे हैं। वो एक कम्युनिस्ट रिजीम होने के बावजूद, मतलब एक उनकी सोची है राइट, वो अपने बच्चे को पैदा करते हैं, बोलते हैं इसे स्पोर्ट्समैन बना, बैडमिंटन खेलेगा, कबड्डी खेलेगा, ये खेलेगा, ये खेलेगा, ये खेलेगा, स्टॉक मार्केट में करेगा, तू बहन हट जा। उन्होंने सारी एप्स, ज्यादा जितनी भी एप्स है सबको निकाल दिया। उन्होंने कहा हम अपनी ऐप बनाएंगे, वीचैट बनाओ, हम क्यों चलाएं व्हाट्सएप, फेसबुक नहीं चला रहे हम नहीं चला रहे, हमें नहीं करनी फेसबुक मार्केट, अलीबाबा बनाओ, दुनिया हमसे लेगी सामान, पैसा उसे बनाना कहते हैं। तो यूएस ने क्या करा, वही वाली बात कि सब डॉलर में ट्रेड कर रहे हैं ना, उन्होंने कहा तुम पैरेलल इकोनॉमी खड़ी करेंगे, कर दी पैरेलल इकोनॉमी खड़ी। और लिटरली चाइनीज नहीं सीखते इंग्लिश, उनके अंदर इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं है, उन्हें नहीं पहननी जींस, वो पजामे पहन के निकल जाएंगे। तो चाइना के अंदर अभी एक वीडियो बहुत वायरल हुई, एक वुहान की कोई स्ट्रीट थी, उस स्ट्रीट पे सिर्फ ई बाइक चल रहे हैं और जीरो नॉइज दे हैव अचीव्ड। नॉइज पॉल्यूशन, मतलब हमें नहीं पता कि हमारे राइट्स क्या है राइट, सो हमारा फंडामेंटल राइट है कि हमें नॉइज पॉल्यूशन सर्टेन डेसिबल के बाद नहीं मिलना चाहिए। They have achieved it. उन्होंने दिया ना वायरस, बोला ना लैब में नहीं जाने दिया, जाने दिया उसके दोबारा